हाय, आज हम बात करने वाले हैं हमारे वर्कआउट से पहले हम जो मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में। बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी गिनने बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स जिनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए और आपकी मैं हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए कंटिन्यूटी बात करते हैं पहली मिस्टेक ये कि आप जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं या फिर कॉफ़ी लेते हैं। माना कि चलो कॉफ़ी कैफीन होता है उसमें, जो कि आपके वर्कआउट में आपको हेल्प करता है, आपकी पावर में, आपकी स्ट्रेंथ में, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा आपको घबराहट हो सकती है और आप सही से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे और आप उसके एडिक्टेड हो जाएंगे। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप इसे कम यूज़ करें, और जब यूज़ करें तो उस दिन प्री वर्कआउट और कॉफ़ी पीने की आदत डालें जब आप बड़े मसल्स को ट्रेन करते। बड़े मसल मतलब आपके क्वाड्स हो गए, बैक हो गई, चेस्ट हो गई, इस तरह के जो बड़े मसल्स हैं, और बाकी दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के ऊपर। आप वर्कआउट करने से पहले जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या वेट ट्रेनिंग करते हैं आप जिम में जाके, उससे पहले आप ढेर सारा कार्डियो कर लेते हैं। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपका जो ग्लाइकोजन लेवल है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी है, जो फ्यूल है, वो ख़त्म हो चुका होगा आपके कार्डियो सेशन में। उससे नुकसान क्या होगा, आप जो वेट ट्रेनिंग करेंगे, मसल ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आपकी बॉडी को ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी और आप उस वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। तो मेरा ये कहना है कि आप जब आपके मसल ट्रेनिंग हो जाए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद आप कार्डियो करें। अब उससे क्या होगा, जो आपका ग्लाइकोजन है वो आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यूज़ हो जाएगा, और बाद में आप जब कार्डियो करेंगे, और जो कि बॉडी में एज अ फैट स्टोर है, फैट, वो आपको हेल्प करेगा कार्डियो में, जिससे आपका फैट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे तीसरी मिस्टेक के। आप तीसरी मिस्टेक ये करते हैं कि एब्स का वर्कआउट आप बहुत पहले कर देते हैं। ठीक है, सबको एब्स अच्छे लगते हैं, सिक्स पैक एब्स बड़े सेक्सी लगते हैं, तो सबकी पसंद होती है, चॉइस है। लेकिन आप जब एब्स का वर्कआउट करेंगे तो आपका जो एब्डोमेन एरिया है वो आपका ट्रेन हो चुका होगा, उसमें पंप आ चुका होगा। उससे क्या होगा, अब जैसे आप बेंच प्रेस लगाएंगे, स्क्वाट लगाएंगे या फिर डेडलिफ्ट लगाएंगे, तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आपका एब्डोमिनल एरिया पूरा यूज़ होता है, तो वो आपका सही से काम नहीं करेगा। उससे क्या हो सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है, आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। सो इस चीज़ को अवॉइड करें आप, कि आप एब्स पहले ना लगाएं, एब्स को बाद में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक की। चौथी मिस्टेक ये है कि आप सोचते हैं, या फिर अधिकतर लोगों का ये मानना है कि आपकी बॉडी को जितना ज़्यादा रेस्ट मिलेगा उसके बाद अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म कर पाएगी। तो आप क्या करते हैं, सोने से पहले 3 से 4 घंटा बढ़िया अच्छे से नींद लेके सो के फिर वर्कआउट करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इससे होगा क्या, आप ज़्यादा सोएंगे, आप जिम में वर्कआउट तो कर नहीं पाएंगे, होगा क्या, आपको आलस आएगा और थकान भी महसूस होगी। सो आपको अगर नींद लेनी है तो एक जो स्टडी हुई थी उसमें बताया गया है कि आप 30 मिनट के आसपास अगर नींद लें तो आपको फ्रेश फ्रेश फील होगा, तो आप वर्कआउट भी अच्छे से कर पाएंगे। सो नींद ज़्यादा नहीं लेनी है, ओनली 30 मिनट लेके आप जिम जाइए। ऐसा नहीं कि रात वाली नींद की बात करूँ, वो तो आपको पूरी लेनी है, जितनी आप लेते हैं 6 घंटे 8 घंटे, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, लेकिन वर्कआउट से पहले की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पाँचवीं मिस्टेक की, जो कि आप हैवी मील खा के जिम में चले जाते हैं। हैवी मील मतलब फुल मील, जिसमें आपका फुल खाना होता है। जस्ट आपने मील लिया आधे एक घंटे पहले हैवी मील, और उसके बाद आप जिम में चले गए। देखो, बॉडी का एक सिस्टम, बॉडी सिस्टम से काम करती है, उसके अंदर सिस्टम है। आप जब खाना खाएंगे ज़्यादा वाला, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी में जो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वो आपके डाइजेशन सिस्टम में होगा, और उसके बाद आप वर्कआउट करने जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत आपके डाइजेशन सिस्टम में ब्लड फ्लो होगा, थोड़ा आपके मसल्स में होगा, तो उससे क्या है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर रही, आधा आधा डिवाइडेशन हो गया है। तो इससे आपको उल्टी भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। सो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आपको खाना है तो आप हैवी मील को 2 से 2.5 घंटे पहले खा लें, ताकि आपके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। और अगर आप जिम जाने से पहले कुछ खाना चाहते हैं तो प्री वर्कआउट मील के तौर पे हल्का सा कुछ खा के आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं छठी मिस्टेक की, जो कि आप स्ट्रेचिंग में करते हैं।
देखिए, आप स्ट्रेचिंग करते हैं, आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मतलब जो स्ट्रेचिंग जिसमें आप कोई भी मसल्स है उसको 1 सेकंड 2 सेकंड होल्ड करते हैं, वो आपके नहीं करना है, वो आपकी परफॉर्मेंस में गड़बड़ ला सकता है। तो आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग करिए, जो आपके मोबिलिटी है जॉइंट्स की और मसल्स की, वो आप करिए। और अगर आपको स्टैटिक जो स्ट्रेचिंग करनी है वो आप वर्कआउट के बाद कीजिए, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करें, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो। और देखिए, बॉडी तो आपकी बन जाएगी, बस थोड़ा सा वेट करना, लगे रहना, मेहनत करना, हारना मत। बाय बाय, थैंक यू।